आज का हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल। सूरज की गर्मी की वजह से समुद्र, तालाब और नदियों का पानी गर्म होकर भाप बन जाता है, यानी कि वाटर वेपर फॉर्म में, जिससे पूरी प्रोसेस को एवेपोरेशन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्लांट्स के अंदर से भी पानी उड़ जाता है भाप के जरिए हवा में, जिससे कि प्लांट खुद को ठंडा रख सके, और इसी पूरी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जो हवा में वाटर वेपर इकट्ठी हो जाती है वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर देती है और छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, और इस पूरी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। जब बादलों में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है वो बर्फ़ बन जाता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ जाने की वजह से ये ज़मीन में गिरने लगता है, और इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और जो बारिश का पानी ज़मीन पर गिरता है वो वापस ज़मीन द्वारा सोख लिया जाता है, और ज़मीन से बहता हुआ पानी नदियों, तालाब और अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हो जाता है। फिर दोबारा से सूरज गर्मी बढ़ा देता है और ये पानी भाप बन के उड़ जाता है। यह पूरी प्रोसेस एक वाटर साइकिल है जो कि हमेशा रिपीट होती रहती है। और हम ये भी कह सकते हैं प्रकृति या कुदरत खुद को ठीक करने के लिए ये सब करती है, और संतुलन बनाए रखने के लिए भी करती है।